नरेंद्र मोदी जी को 10 साल से इस देश की जनता ने दी है। हमने क्या किया 10 साल? हमने कभी रिजर्वेशन को समाप्त करने का अटेम्प्ट नहीं किया। हमने ये बहुमत का उपयोग धारा 370 हटाने में किया, ट्रिपल तलाक समाप्त करने में किया, यूसीसी लाने में किया, अंग्रेजों के कानून बदलने में किया, कश्मीर के अंदर शांति करने में किया। हमारे पास 10 साल से अधिकार है। राहुल गांधी का एक रूल है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। वो रूल को वो फॉलो कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये नैरेटिव इसीलिए इसी बार बार बोलते हैं? नहीं, तो बनता है नैरेटिव। हम 10 साल से अधिकार प्राप्त किए जी। आपने सिक्योरिटी की बात की तो मैं थोड़ा सा इस पर भी बात करना चाहूंगा कि आपने कहा है कि अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने बहुत क्या कहते हैं नक्सल पे क्रैकडाउन किया। आपने कहा है कि 2-3 साल में छत्तीसगढ़ में भी आप इसको समाप्त कर देंगे नक्सलियों को। तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा कि ये मार्टर हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि जिसका खराब समय होता है प्रभु राम सबसे पहले इनकी मति हर लेते हैं। कांग्रेसियों के साथ भी शायद यही समय आ गया है। हमारे जवान अपनी जान जोखिम में डालकर घने जंगलों के अंदर ऑपरेशन कर नक्सल्स को मारते हैं और नक्सल कहते हैं कि हमारा कैडर मारा गया है और कांग्रेस पार्टी कहती है फेक एनकाउंटर है जी। भगवान ही बचाए इनको, भगवान भी शायद नहीं बचा सकता। आपके पिछले कार्यकाल में आप लोगों ने काफी बड़े काम किए। आपने आर्टिकल 370 को रद्द किया, आपने सीए को इम्प्लीमेंट किया, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ लाए, आपने तमाम इस तरह के बड़े काम किए। पर अगर आज आप ऑपोजिशन को देखें तो काफी ऑपोजिशन वाले कहते हैं कि जो है ये जो 370 को जो है वो वापस लाएंगे, कहते हैं सीए हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। और सारे बड़े नेता ममता बनर्जी, चिदम्बरम जी, ये सब इस तरह की बातें करते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनके माइनॉरिटी के वोट प्राप्त करने का टोटका है। उनको न सत्ता में आना है, न 370 को वापिस आना है, न उनको सत्ता में आना है, न सीएए रद्द होना है। उनको भी मालूम है, मगर वो माइनॉरिटी एपीसमेंट कर माइनॉरिटी के वोट अंकित करना चाहते हैं, एकमात्र कारण से झूठ फैला रहे हैं। मैं इस इंटरव्यू में देश की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद संसद में जब तक है 370 फिर से नहीं आ सकता, सीए समाप्त नहीं हो सकता। अब ये इतिहास का हिस्सा बन चुका है 370, और सीए वास्तविकता बन चुका है। सिर्फ आपने इसको जल्दीबाजी में इम्प्लीमेंट कर दिया कि इससे कुछ नागरिकता भी लोगों को मिलेगी, और ये कब तक पॉसिबल होगा, इसका क्या टाइम फ्रेम है? देखिए, एप्लीकेशन आना शुरू हो गया है, रूल्स के हिसाब से इसकी स्क्रूटिनी हो रही है। मुझे लगता है चुनाव के पहले ही, मतलब अंतिम मतदान के पहले ही नागरिकता देने की शुरुआत हो जाएगी। आप लोग अमित जी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, कांग्रेस जो है पर्सनल लॉस की बात कर रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये वोट कहीं ना कहीं आप लोग अपना अपना वोट साध रहे हैं। अपना अपना वोट नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान का मैंडेट है जी। गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो है, हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत जो संविधान ने हमारे लिए बनाया है, उसमें लिखा गया है कि देश के विधानमंडल और देश की संसद ने उचित समय पर यह प्रयास करना होगा कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। मुझे लगता है उचित समय आ गया है, और यह आज से हम नहीं कह रहे जी। हमारी पार्टी बनी इसके पहले घोषणा पत्र में था कि देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अगर यह देश पंथ निरपेक्ष है तो धर्म के आधार पर कानून कैसे हो सकते जी, नहीं होने चाहिए। सलमान खुर्शीद जी ने अभी कुछ दिनों पहले, उनका स्टेटमेंट जो है वायरल हो रहा है, वो ये कह रहे थे कि UPA 1 और UPA 2 की गवर्नमेंट जो बनी वो सिर्फ इस वजह से बनी क्योंकि इट कुड क्लॉ बैक इनलाइटेंड मुस्लिम इनटू इट्स फोल्ड, कांग्रेस कुड क्लॉ देम बैक इनटू देयर फोल्ड। इसको आप कैसे देखते हैं? इसके आधार पर ही शायद उनका घोषणा पत्र बना है। सलमान खुर्शीद जी ने घोषणा पत्र ऐसा क्यों बना, इसका रहस्य ही खोल दिया है। वो फिर से करना चाहते हैं,
मगर उनको मालूम नहीं है देश की जनता जागरूक हो गई है। आपकी एपीसमेंट की पॉलिसी अब इसलिए सफल नहीं होगी कि एक एपीसमेंट जब आप करते हो तो दूसरा वर्ग जागृति के साथ काउंटर प्रोडक्टिव रूप से लामबंद होता है जी। अब ये सफल नहीं होंगे। इधर बीच घुसपैठियों की बात हो रही है, आपने सीए इम्प्लीमेंट किया, मैनिफेस्टो में एनआरसी की कोई चर्चा नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, सीए का इम्प्लीमेंटेशन कोविड के कारण लेट हुआ है और हम मानते हैं कि पहले सीए को जमीन पर उतारना चाहिए। वो प्रक्रिया अब चल रही है और जहां तक घुसपैठ का सवाल है, अब देश के एक ही राज्य से घुसपैठ हो रही है, बंगाल से जी। क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार का उस पर वरद हस्त है, वो घुसपैठियों में अपनी वोट बैंक देख रही है। उनको घुसपैठ में राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है वो नहीं दिखाई पड़ता है, उनको लगता है कि मेरे वोट बढ़ रहे हैं। न केवल बंगाल, समग्र देश के लिए ये बहुत खतरनाक सोच है। मैं बंगाल की जनता को हृदय से अपील करना चाहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाइए, इसके बाद वहां भाजपा सरकार बनाइए, हम ऐसी बॉर्डर बनाएंगे कि परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। इसीलिए सीए का दमखम से वो विरोध भी कर रही है, हाँ, इसीलिए वो कर रही है, वो कह रही है कि जो है हम सीए कभी इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। उनको मालूम नहीं है नागरिकता सेंट्रल सब्जेक्ट है, इसमें स्टेट को कुछ करना ही नहीं है, शायद मालूम है, मगर माइनॉरिटी को गुमराह करने के लिए वो बोल रही है। अमित जी, 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये आपका एक बहुत बड़ा वादा था जो आपने निभाया, मगर ऑपोजिशन ये कहती है कि आज इस चुनाव में आप राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। देखिए, राम के नाम पर तो वोट तब मिलता था जब मंदिर नहीं बना था और हम कहते थे हम बनाएंगे, हमने तो वोट लेने का कारण ही समाप्त कर दिया। ऑपोजिशन को चिंता इसलिए है और पूरा देश उनसे नाराज इसलिए है कि जब राम मंदिर बना, शांतिपूर्वक तरीके से बना, संवैधानिक रूप से बना और प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। माइनॉरिटी के डर से वो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, इसलिए पूरा देश उनसे नाराज है। हमने कभी ये नहीं कहा कि राम मंदिर बना है इसलिए हमें वोट दीजिए, मगर पूरे देश की जनता जानती है 70 साल से लोगों ये लोग अटका कर रखे थे। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी और आज भव्य राम मंदिर समग्र देश को आह्लादित करने वाला राम मंदिर बना है। अमित जी, एक आखिरी सवाल हिंदू मुसलमान की जो चर्चा रही उस पर मुझे आपसे पूछना है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल, एक साल पहले, पासमंदा मुसलमानों को एक आउटरीच भी किया, उनके 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 बारे में बातचीत भी की, उनके बारे में वो सोचते भी काफी हैं। एक तरफ ये बात हो रही है और एक तरफ ये, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? जरा भी नहीं। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ पसमंदा मुसलमानों को आउटरीच नहीं किया है जी, ट्राइबल्स को भी किया है, दलित को भी किया है, पिछड़ा वर्ग को भी किया है, गरीबों को किया है, किसानों को किया है, मातृशक्ति को, महिलाओं को किया है, युवाओं को भी किया है। वो उनका काम है, दायित्व है जी। विकास की रेस में जो पिछड़े हैं इनको सबके साथ एक लाइन में लाकर खड़ा करना वो सरकार का दायित्व है। मुझे इसमें कोई अंतर विरोध नहीं दिखाई पड़ता। माहौल चुनाव का है और आप हमारे साथ हैं, आपके प्रेडिक्शंस जो है बहुत दिनों तक बात करते हैं लोग कि अमित जी ने पहले ये बोला था, ये सही हुआ, तो कुछ स्टेट्स पर जाते हैं, गुजरात में हैं आपके साथ, तो गुजरात से शुरुआत करते हैं। पिछले 2 चुनावों से 26 में 26